भाई आपने मुझे इतना ज्यादा बोला कि भाई आप हमें इस 1000 वाट के इन्वर्टर से वाटर पंप्स को चला करके दिखा दो। मेरे पास एक छोटी वाली बैटरी है, बैकअप देगा या नहीं देगा वो मुझे नहीं पता, बस इसे टेस्टिंग करेंगे आज। जैसे कि मेरे पास है यहाँ पर 1 HP का समरसेबल पंप, यानी आपकी भाषा में समझाऊं तो ये बोरवेल वाली पंप है, मोटर है जो हमारे छत पे जो सिंटेक्स लगी हुई होती है उस पर ये पानी चला जाता है। सबसे पहले पावर को केबल को हटा देते हैं, क्यों? क्योंकि ये जो प्लग है ये काफी बड़ा है और हमारे इन्वर्टर पर छोटा वाला प्लग लगता है, तो हमें सबसे पहले इसे ओपन करना पड़ेगा। फटाफट मैंने इसे ओपन भी कर लिया। अब देखो आपको यहाँ पर डायरेक्ट हाथ नहीं लगाना है, क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर 220 वोल्ट एसी करंट से कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। अब जो यहाँ पर MCB है इसे मैं बंद कर देता हूँ, फिलहाल ये बंद हो चुका था तो ऑटोमेटिक ये कर चुका। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो आप दो वायर देख रहे हो, येलो और ब्लैक वाली वायर, आप यहाँ पर साइड पर देख सकते हो, एक ब्लैक है और एक है येलो वाली वायर, तो आपको ये दोनों वायर को ओपन करना है, यानी कि लूज करके इसे हटा देना है। अब आप देखो यहाँ पर जो वायर है वो लूज हो चुका है, इसे मैंने निकाल भी दिया है। अब इसके जगह पर हम यूज करने वाले ये कॉपर वाली वायर, और इस वाले कॉपर वायर को हमें लगा देना है इसके वापस टर्मिनल पर, क्योंकि यहाँ से हम देते हैं इसे 220 वोल्ट एसी करंट जिससे ये ऑपरेट हो जाता है। तो चलो स्क्रू को टाइट करते हैं और इसे पैक करते हैं। पूरी अच्छी तरह से इसे टाइट करने के बाद अब हमारा काम आता है कि हम इन्वर्टर का सबसे पहले सेटअप कर ले। देखो इन्वर्टर का सेटअप करना काफी ज्यादा इजी है, वैसे मैंने सभी वीडियो पर मैंने प्रोसेस का बता दिया है, ना जाने मैंने आज तक कभी तक ऐसा प्रोजेक्ट नहीं बनाया था जिस पर मुझे इतना पार्ट बनाना पड़ा था, लेकिन इस इन्वर्टर के लिए मुझे काफी ज्यादा पार्ट बनाना पड़ा। सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर देखने को मिल जाएगा, चेकआउट कर लेना। बैटरी के पॉजिटिव पर हमारा इन्वर्टर का पॉजिटिव लग जाएगा। और देखो इस इन्वर्टर की एक छोटी सी खास बात भी है जो लोगों को पता नहीं है, ये एक साइन वेव इन्वर्टर है, लेकिन काफी लोग ये बोलते हैं कि ये स्क्वायर वेव इन्वर्टर है। आप मुझे बता सकते हो कि ये साइन वेव इन्वर्टर क्यों नहीं है? क्योंकि आप लोगों का सवाल रहता है कि भाई ये ऑटोमेटिक चार्ज नहीं हो रहा है, तो ये साइन वेव इन्वर्टर तो नहीं हुआ, लेकिन आप इसे यूज करो डायरेक्ट बैटरी के चार्जर के साथ कनेक्ट करके दिखा दो। अगर ये प्रॉपर तरीके से साइन वेव की तरह अगर ये काम नहीं करता है तो आप मुझे जो बोलोगे मैं मानने के लिए तैयार हो चुका हूँ। अब देखो जो दो वायर हमारी जो थी जो समरसेबल पंप की थी, इसे हमें डायरेक्ट इसके कनेक्टर के साथ कनेक्ट करना है, यानी कि जो हमारा फीमेल पोर्ट है, यानी कि जो हमारा 5-पिन सॉकेट है उस पर कनेक्ट कर देना है। और जैसे हम इसे स्टार्ट करेंगे तो हमारा जो समरसेबल पंप है उस पर वो एसी करंट चला जाएगा और उसके बाद हम इसे अच्छी तरह से यूज कर पाएंगे। लेकिन चलो मैं सबसे पहले गूगल से सर्च करके देख लेता हूँ, गूगल से पूछते कि ये कितने वाटेज का होता है, क्योंकि 1 HP का हमारा समरसेबल पंप है, स्टार्टर है, तो हम इसे गूगल से पहले रिसर्च करते हैं। भाई सबसे पहले स्क्रीन को रोटेट कर लो, क्योंकि यहाँ पर हम सबसे पहले सर्च करते हैं 1 HP in watts, क्योंकि हमें 1 HP का ही वाटेज पता करना है कि वाटेज कितना ज्यादा है। देखो आप यहाँ पर देख सकते हो 745 वाट हमें बता रहा है 1 HP का। अब जैसे कमेंट आ रहा था कि भाई हमारे पास है 0.5 HP का मोटर पंप, अब चलो यहाँ पर 0.5 HP लिखते हैं तो देखो 372 वाटेज हमें बता रहा है, यानी कि इस इन्वर्टर के लिए परफेक्ट वो काम करेगा 0.5 HP, जैसा मैंने कमेंट में बता भी दिया था। अब दूसरा कमेंट आ रहा था कि वाटर पंप इसे चलेगा या नहीं चलेगा, तो देखो वाटर पंप का जो वाटेज होता है वो होता है 150 वाटेज, जैसा कि गूगल बता रहा है, मैं रियल तो नहीं बता सकता हूँ, गूगल के हिसाब से परफेक्ट है। अब चलो मैं इसे ओपन करके दिखाता हूँ, मतलब सॉरी गाइस ओपन नहीं, इसे टेस्ट करके देखते हैं। देखो यहाँ पर मैंने चालू किया, अब समरसेबल पंप यानी स्टार्टर है उस पर देखते हैं, तो देखो यहाँ पर LED ब्लिंकिंग कर रही है, लेकिन वो ब्लिंकिंग नहीं है, कैमरे की क्वालिटी पर वो डिफरेंस आ रहा है। अब हम यहाँ पर इसे टेस्ट करके देखते हैं, वोल्टेज जो है वो लगभग 220-230 वोल्ट के आसपास ये चल रहा है। अब इसे ऑपरेट करके देखते हैं, चालू करके देखते हैं कि ये चलेगा या नहीं चलेगा। देख सकते हो यहाँ पर ये चालू नहीं हो रहा है, देखो मैं दो बार प्रेस कर चुका हूँ, और देखो शुरू में मैं डर भी चुका था। आप देखो साउंड आपको क्यों नहीं सुनने को मिल रहा, क्योंकि ये है बाहर में और मुझे म्यूजिक को लगाना पड़ेगा। अगर इन्वर्टर की बात से सुने तो ये ऑपरेट तो कर रहा है, यानी कि लाइन जो है वो इस पर तो जा रहा है, लेकिन चालू बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। मैं आपको फिर से चालू करके दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो आप ध्यान से देखना, देखो मैं चालू कर रहा हूँ, जो सुई की नोच जो है वो थोड़ी सी बढ़ रही है, गारंटी के साथ वो थोड़ी सी बढ़ रही है, लेकिन बैटरी हमारा छोटा है जिससे ये काम नहीं कर रहा है। अब काफी लोग ये भी बोल देंगे कि भाई आप कहीं फेक तो नहीं बता रहे हो, 100% मैं आपको बताऊंगा, आप यहाँ पर देखोगे तो आप परफेक्ट जान जाओगे। जैसे चलो मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, आप ध्यान से देखना, जो मोटर की जो सुई रहेगी उस जगह पर आप देखना कि परफेक्ट वहां पर जो वोल्टेज है वो आगे बढ़ता है, यानी कि वाटर पंप वहां से बढ़ता है। देखो ध्यान से देखना, थोड़ी सी वो ऊपर गया, उसके बाद ये ओवरलोड का साइन हमें दे दिया है, यानी कि परफेक्ट ये 100% आप इसे चला सकते हो, बस बैटरी थोड़ी ज्यादा कर लेना और ये 1 HP की 0.5 HP के 100% चल जाएगी। चलो ट्राई करो।